हम चलो आज करते हैं यही काम। गुड़िया जी साफ कर दे रहे हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी खाना बनाए गुड़िया जी, हमें भी भूख लगी हुई क्योंकि कल से नमक नहीं खाए ना, और नमक के बिना मतलब कमजोरी ऐसा फील हो रहा है। जल्दी जल्दी वॉश करके खाना बनाया जाए। क्या क्या बनेगा और क्या? सो अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपना ड्रेस में गमछी पर, और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे हाथ में है, इसे खंती बोलते हैं। इससे दोस्तों हमें जो हम मिट्टी की खुदाई करेंगे, और प्लस में दोस्तों ये है कुदाल, तो इससे भी खुदाई करेंगे। और गुड़िया जी उधर काम में सहयोग देने के लिए है, और चीकू है जो खेलने के लिए मिट्टी पे बैठी हुई है। तो चलिए दोस्तों अभी हम ना क्या करते हैं, मिट्टी को ना भुरभुराते हैं इस कुदाल से। पापा जी है कि मिट्टी खाद रहे हैं, और तो होने की वजह से ना मिट्टी है जो कि पूरी तरह से फूल गया है, और कोरने में बहुत ही आसानी लग रहा है, है ना, ज्यादा बाहर नहीं ना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। देखिए कितना आराम आराम से खुदाई हो रहा है मिट्टी का, ये देख लीजिए। नहीं पड़ा हुआ रहता पानी दोस्तों, तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं होता तो बहुत दिक्कत होती है। पानी चापाकल से पानी ला कर फुलाना पड़ता, तब उसके बाद जाकर भुरभुरा टाइप का होता है ना, तो देखिए अभी कितना आसानी हो गया है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों मिट्टी को खत्ते खत्ते हम थक गए हैं, तो अभी गुड़िया जी लगे हुए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से हम मिट्टी को कर दिए हैं। तो दोस्तों जो लोग नहीं देखे हैं कि किस तरह से दोस्तों मिट्टी का घर बनता है, और तो आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले दोस्तों मिट्टी को ना थोड़ा काट काट करके इस तरह से कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों पानी जो डालिएगा ना तो बढ़िया तरीके से फूल जाएंगे मिट्टी, और मिट्टी फूल जाएंगे ना तो उसके बाद दोस्तों वहाँ पे जो कि हम खताई करेंगे, तो देखिए कैसे खताई करेंगे, और उसके बाद दोस्तों सान के हम किस तरह से रखेंगे दोस्तों, आप लोग पूरा देखिएगा। देख सकते हैं इस तरह से गड्ढा कर दिए गए हैं, तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं पानी लाने के लिए, और पानी ला करके इसमें डालेंगे। पानी ये इसलिए मतलब खुश हो रही है ना कि इसमें पानी डालेंगे ना तो ये खिलना स्टार्ट कर देगी, और ये सारा कपड़ा को ना निसरा लेगी, मतलब गंदा कर लेगी, इसीलिए बोल रही है। चलिए दोस्तों अभी चलते हैं पानी लाने के लिए यहीं से कल से और मिट्टी के तरफ ले चल रहे हैं, तो यहाँ पे लेके चले आए मिट्टी के पास। दो बाल्टी भरेंगे तो दो बाल्टी आपसे भराएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, हम भी भरेंगे। और क्योंकि दोस्तों ये ना ये मेरे को ज्यादा काम सौंप देते हैं, आप बारी है। तो आपकी बारी है, तो दोस्तों मिलजुल करके काम करना चाहिए। तो हम आपको निसरा देंगे, आप जाओ पहले आप लेकर आओ। पहले आप देखिए टूट गया बांध ये दोस्तों, ये मिट्टी है ना जो बहुत मतलब कम पानी में ही मतलब गल जाते हैं मिट्टी, ये अच्छा से फूलने देंगे, तब तक दोस्तों वहाँ पे है ना तो मिट्टी की खताई कर लेंगे। गुड़िया जी लाए हैं पानी अपने से खुद से भर के टांग करके, अभी हम दो बल्टा लाए हैं, डालिए थोड़ा हल्का डालिए, जितना हम चला उतना थोड़ा सा दीजिए तो पानी। पानी डालने के बाद कुदाल से ना मिट्टी को अंदर और ऊपर की ओर कर रहे हैं, इससे ना मिट्टी है कि जल्दी बढ़िया तरीके से फूल जाएंगे। तो आप सभी लोग देख लीजिए, और जिनको नहीं बनाना आता है वो लोग भी सीख लीजिए मिट्टी का घर बनाना। ऐसे तो चीकू के पापा बोले थे कि हम बचपन में बनाए हैं मिट्टी का घर, तो हमें आता है बनाने, तो अभी बना रहे हैं। तो चलिए आप सभी को हम दिखाते हैं बैक कैमरे से बढ़िया से। बिना हम मिट्टी को फुला दिए, अब इसे दोस्तों एक से डेढ़ घंटा छोड़ देंगे, तब तक दोस्तों इधर ना हम क्या करते हैं कि जो इधर दीवार बनाना है तो वो दोस्तों खांचा बनाना पड़ेगा, तो पहले इसकी खताई करते हैं जिसे दावा भी बोलते हैं। तो चलिए अभी दावा हम खरते हैं। तो भैया जी यहाँ पर लगा दिए हैं कुदाल को, यहाँ पे दोस्तों एकदम मिट्टी है ना जो एकदम बहुत ही सॉफ्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना, हाँ 75% दोस्तों बालू है, और 25% है जो कि मिट्टी है, नहीं तो दोस्तों आप सभी को हम दिखा देते हैं। देखिए ये देखिए बालू है ना, ये बालू ज्यादातर बालू ही है, 75% बालू है, 25% मिट्टी है, इसलिए दोस्तों जो घर है ना वो पूरी तरह से चिकना नहीं हो पाता है, क्योंकि बालू है ना तो बालू से चिकना नहीं हो पाता, अगर मिट्टी रहता वो चिकना मिट्टी तो अच्छे से चिकना हो पाते। चलिए अभी और चला ना, इतना देखिए दोस्तों इतना पतला में कुछ हो पाएगा।
सो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए चिकू के पापा जी है जो कि कैसे देखिए दावा को खत रहे हैं। ये देख लीजिए आप सभी लोग जिनको बनाना होगा मिट्टी का घर वो लोग देख लीजिए कैसे बनता है। अभी दोस्तों मिट्टी की ने अच्छे से खताई कर दी है, यहाँ पर देख सकते हैं इसे बोलते हैं हम लोग तरफ दावा। तो ये दावा दे दिए और इसमें दोस्तों मिट्टी है जो कि गीला मिट्टी वो मतलब चारों तरफ से रखेंगे और दीवार जो कि खड़ा करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों अभी ना बहुत जोड़ी की भूख लगी हुई, तो चलते हैं अभी दोस्तों खाना खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा धूप भी निकल गए हैं और खाना बस छोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों अभी हम खाना खा लेते हैं, चलते हैं अभी फ्रेश हो जाते हैं थोड़ा जा करके। दोस्तों हम फ्रेश हो चुके हैं और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिए और फैन चला करके दोस्तों क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रहे थे। और दोस्तों आज हमारे यहाँ खाने में क्या बना है आप सभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दाल चावल और दोस्तों यहाँ पे सलाद, सलाद है दोस्तों खीरा और टमाटर और मिर्चा और प्याज का है ना चिकू। चलो खाते हैं मिलकर के। तो चलिए दोस्तों अभी ना हम खाते हैं उसके बाद दोस्तों आप सभी से मिलते हैं। तो दोस्तों मस्त खाना उना खा करके रेडी हो चुके हैं, अभी दोस्तों अपना काम पे लगते हैं। मिट्टी भी अच्छे तरीके से फूल गया और दोस्तों अंकित ना अभी खेलने चला गया है, विराट है जो कि धूप में इधर है, अंदर चले जा जा यहाँ पर दोस्तों इस तरह से खेलते रहता है। चलिए दोस्तों अभी हम लोग मिट्टी जो की है यहाँ सब खाते हैं। गमला लाइए इसे हम रख लेते हैं यहाँ हाथ में इसे सान करके। धूप लग रहा है विराट है ज्यादा, दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा हम ही को क्योंकि गुड़िया जी चिकू को पकड़े हुए रहेंगे। विराट को हाँ विराट को चिकू तो खेल रहे हैं। चलिए अभी ले चलते हैं पापा जी जो दावा खाते हैं उसमें पानी डाल रहे हैं और उसके बाद मिट्टी को चिपकाएंगे। तो लिखिए है दावा में जो खाते हैं उसमें और अच्छे से चिपकाएंगे। ये लिख लीजिए आप सभी को दिखाते हैं और पास से तो यहाँ पर देखिए हमारा दीवार बनना स्टार्ट हो गया और अभी दोस्तों यहाँ से सीधे जो कि हम दीवार खींचेंगे और वहाँ पे जो कि विराट है धूपे में खेल रहा है क्योंकि अंकित है जो कि चला जाता है ज़्यादातर खेलने पे ही ध्यान देता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा जो कि है हल्का सा दीवार जो कि बन रहा है अभी और गुड़िया जी हैं जो कि उधर से मिट्टी को ला रहे हैं। यहाँ पर देखिए लाइए जल्दी और बहुत ज़्यादा दोस्तों धूप भी खेल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे होता है, देखिए ऐसे हो रहा है बनाइए ना इसे सटा करके ऐसे दोस्तों पहले खींचेंगे और इसे दोस्तों सूखने देंगे तब उसके नेक्स्ट दिन दोस्तों ज्यादा मट्टी पे ज्यादा भार देंगे इस तरह से होगा। मिट्टी के घर में बहुत मेहनत लगता है। जैसे दोस्तों आप लोग देखते होंगे जो ईंट का घर बनता होगा तो सबसे पहले ढलाई होता है और ये क्या बोलते हैं बीम, जिसे बीम बोलते हैं पिलर बोलते हैं इस तरह से। चलिए दोस्तों अभी इसे फटाफट से हम करते हैं। सो दोस्तों मैं और गुड़िया जी मिलकर के ना पहला लेयर जो कि दीवार का है वो खड़ा कर दिए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और ज्यादा मोटा लेयर नहीं दिए दोस्तों क्योंकि ये ना सूखने तक का हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद दोस्तों मोटा वाला लेयर चढ़ाएंगे। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से किए हैं और वहां से दोस्तों लेयर लेकर के इधर से हैं। और दोस्तों अपने हिसाब से दोस्तों इस किचन को ना हम लोग बना रहे हैं मिट्टी का ही किचन, लेकिन किचन किचन होता है खाना बनाने के लिए क्योंकि दोस्तों विराट है ना अंदर में खाना बना रहे तो गैस पर, तो विराट जो कि है ना वो वहीं पे खेलता है तो दोस्तों धोखा हो सकता है, इस चलते हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द बार बार छूने जाता है हाँ गैस को छूने जाता है और बारिश होते समय तो और भी ज्यादा ज्यादा क्योंकि बारिश होते रहता है तो विराट किधर खेलने भी नहीं जा सकता है, बाहर आंगन में भी नहीं खेल सकता है तो अंदर रूम में ही रहता है, खाना बनता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इस चलते दोस्तों हम अपने तरह से बना रहे हैं इसको, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों आप सभी को एक जानकारी देनी थी कि दोस्तों विजय भाई जो कि हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं बहुत दिन से, दोस्तों वो बोल रहे थे बीच बीच में कि सुनील भाई 100 के हो गया हम केक कट करने के लिए आ रहे हैं साथ में मिलकर के केक काटेंगे, लेकिन दोस्तों हम मना कर दे रहे हैं इसी चलते दोस्तों हम केक भी नहीं काट रहे थे। तो हम लोग मिल करके अब केक कट करेंगे क्योंकि दोस्तों वो समय आ चुका है जिस दिन का दोस्तों हम लोग वेट कर रहे थे। और दोस्तों बहुत सारी यूट्यूब फैमिली चाहते हैं कि विजय भाई जो कि आप लोग मिल करके वीडियो बनाए, बहुत लोग हैं जो कि उनको जानकारी नहीं होगा तो वो अलग तरह से थोड़ा सा एक दो ठो इंसान हैं जो कमेंट करते हैं कि तुमसे ज़्यादा विजय भाई का भी वो आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है,
शिष्य भी आगे जा सकता है, ये दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप भी हमसे भी आगे जा सकते हैं और विजय भाई से भी आगे जा सकते हैं, बस दोस्तों आपको काम करने का तरीका और आइडिया, और दोस्तों आपको यूट्यूब के प्रति आपके पास ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों बिना ज्ञान के ना यूट्यूब पे कोई ग्रो हो ही नहीं जीवन में। तो आई होप दोस्तों की वीडियो आप सभी को अच्छा लगे, अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल के जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहें, ताकि भगवान और ज़्यादा दें आपको खुशियाँ बांटने के लिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।